मिल जाओ क्या दुर्ग का प्लीज, हमारे कॉलेज की बॉक्सिंग भेजिए। उत्तम और राम ठाकुर इस तरीके की सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी विकेटों के बीच में नजर आती है। गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है नितिन है, पार्टी है एक तेज है घातक ऑलराउंडर जिन्हें पार्टी प्लस में माना जाता है। काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस इनके माध्यम से जरूर देखने मिलता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें, ताबड़तोड़ मैच की शुरुआत करें, क्योंकि आज के दिन एक टीम किसी भी हाल में हमें सेमीफाइनल तक के पहुंचानी है। तो पहली गेंद लेकर सज्ज होते जो नितिन पाटिल लंबे अलग से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। इसी बीच पहली गेंद कार्पेट के सारे खेला गया, सोकर मुड़ाम के क्षेत्र में गेंद को स्टॉप किया गया। एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आया हुआ। इस एक रन के साथ पूरा टीम के बल्लेबाज ने अपना और अपनी टीम का खाता जरूर खोला। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय श्री आनंद तेरे साहब आपल्याला विनंती आहे मंचावरती यायचं, तर आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत सुस्वागत आहे। रामशेख ठाकूर इस वक्त बड़ा ही लगाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद परिवर्तित होती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ। ये सर जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर रहे हैं उन्हें बताना जरूरी है। बैक साइड में आप बैनर देख सकते हैं, बैक साइड में जाली देख सकते हैं, गेंद अगर वहां टच होती है तो डिक्लेयर घोषित किया जाएगा। स्ट्राइक बल्लेबाजों के ऊपर डिपेंड है, रोटेट करना है या नहीं करना है उनके ऊपर डिपेंड है। इसी बीच नीति की अगली गेंद इस बार कॉम्बिनेशन जरूर इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों के बीच देखने मिलता हुआ। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ चार रन। इस बार पुल तो किया है, पुल किया है गेंद आती हुई टॉप ऑर्नर के क्षेत्र में जब तलक के गेंद को फील करते विष्णु तीसरे रन की दौलत थी। और यहाँ देखिए राकेश लाइट का बोर्ड सर ना बताइए बाजू लाइट बोर्ड था वाईफाई था मिला। चलिए कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और यस सर इस टीम की जिस तरीके से बात करें तो इस टीम के सबसे यंग प्लेयर है राकेश, उनसे ये गलती हुई। अब देखना ये है कि गलती की सजा कितने रनों की पड़ती है यहाँ पर नहीं। इस बार ये अच्छी गेंद तेज तर्रार गेंद की गेंद सुरक्षित कीपर के दास्तानों में डॉट के रूप में रनों की रन संख्या पे अगर नजर डालते हैं तो स्कोर दर्शाता हुआ सात रन। गेंद बची है नितिन की एक आना की स्कोर की शेष। इस बार कीपर की गलती गेंद जाती है डिक्लेयर जोन की तरफ ओवर की हुई है। इस वक्त समाप्ति और पहली ओवर की समाप्ति के बाद रनों की जो रन संख्या है वो है आठ रन बिना कोई विकेट गवाए पहले बल्लेबाजी करती हुई इस वक्त ओला पॉटिकल की आलतं वायफाय वाला सगळा ज्ञान मी परत पाठवले कोणी जरा चार खिलाड़ी सर्वे के अंदर रहना जरूरी पावर प्ले के टोटल मिलाकर सात खिलाड़ी छह खिलाड़ी अंपायर ने यहाँ पर डिसीजन क्लियर किया है कि आपके पावर प्ले
इस सर्कल के अंदर छह खिलाड़ी कंपल्सरी रखने हैं, जिसमें एक गेंदबाज, एक कीपर और चार खिलाड़ी। बल्लेबाजों को भी गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है अनिल की अपने बॉलिंग मार्क पर। इसी बीच जी गेंद लेक्सन के बाहर में वाइट बॉय का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर कर आता है। इस वक्त अनिल की अगर बात करें तो एक्शन देखिए, सिर्फ मलिंगा टाइप एक्शन नजर आता हुआ। इस बार का एक लगाया है गेंद अभी भी टॉप ऑर्डर के क्षेत्र में। नितिन पाटिल मौजूद, सुंदर फील्डिंग और यहां देखिए ये क्या हुआ, जहां एक रन थे वहां पर दो रन जाया कर दिए गेंदबाज ने। टॉपिंग क्रीज के अंदर खिलाड़ी तैनात है, फिर भी उन्होंने क्रॉस स्टंप से किया, दौड़कर दो रन जो पूरे किए थे उसके बाद एक रन और प्रॉफिट के रूप में आया है। स्कोर जहां पहुंचा है दो आंकड़ों में इस वक्त 12 रन, स्कोर बरसाता हुआ 12। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार अनिल अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार ये बड़ा हिट, गेंद जाती है डीप लॉन्ग बाउंड्री की तरफ, अंपायर का इशारा कन्वर्ट होता हुआ 4 रन दिए। व्हाट अ हिट, बिल्कुल 4 रन के साथ स्कोर में लगाई छलांग, स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 16 रन पर। पूला का स्कोर 16। इस बीच ये गेंद, इस बार तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी, गुड मॉर्निंग कहती हुई गेंद कीपर के दास्तान में सुरक्षित शॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई। स्कोर कमा हुआ, पूला का स्कोर अभी भी 16। इसी बीच ये इस बार राम ठाकुर गेंद को मात्र दिशा दी, गेंद आती हुई स्क्वायर लेग के क्षेत्र में बेहतरीन रनिंग बुट करते हैं। क्या बात है, विक्टो केबी से बहुत बढ़िया दौड़ लगी और यहाँ पर मौका बाहर बनता हुआ, अंपायर का इशारा यहाँ पर देखना होगा कि ये 2 रन ही है या फिर 3 रन। यस सर, यहाँ पर अंपायर ने डिसीजन क्लियर किया है कि बॉल डेड हो चुकी थी, इसलिए आप सिर्फ दौड़ कर सिर्फ 2 ही रन पूरे कर सकते, लेकिन मैं तारीफ करूंगा दोनों 40+ की है, दोनों सितारों की। क्या रनिंग बिटिंग विकेट, विक्टो के बीच में दौड़ लगा रहे हैं और यंगस्टर्स अगर इन्हें देखें तो इनसे कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखना है। क्या फिटनेस है, लाजवाब। इस बार कारपेट के सारे खेला गया, इसको एक और तेजी के साथ पूरा किया है, दूसरे रन के लिए दौड़ लगती हुई और यहाँ पर राम ठाकुर ने अपना विकेट ज्यादा किया है, इन्होंने विकेट यहाँ पर त्यागा है और देखना ये होगा कि किस बल्लेबाज के लिए। सतीश ठाकुर मुन्नी जी अगर बात करें इनके घरेलू टीम तो पोस्टमार्टम स्पोर्ट्स की ओर से काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस हमने देखा है, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस वक्त ये किस तरीके का परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन यहाँ पर ओवर की हुई है समासी, ओला की वजह से ऐसा लगा कि शायद दो बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। ओला की जो खिलाड़ी है उन्होंने खुशी की लहर दौड़ होती थी, लेकिन नुकसान खुद का ही हुआ है, जान लिया
चलिए समाप्ति, दो ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ की जो रन संख्या है वो है 21 रन। बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस वक्त ओला स्पोर्ट्स की टीम की ओर से देखने मिल रही है। रनों की यहाँ पर कदर कर रहे हैं, रनों की इज्जत कर रहे हैं और हर गेम पर चाहत है कि वो रन मुकम्मल करें। लगभग दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 21 रन हो चुके हैं। हर ओवर में लूट मचाने की कोशिश है। पहली ओवर की अगर बात करें तो नितिन ने 8 रन खर्च किए थे, कुछ खराब फील्डिंग जरूर देखने मिली थी। उसके बाद आए अनिल ने 13 रन खर्च किए। अब नए गेंदबाज इस वक्त सज्जे होते हैं अनिल कांडे। पहली गेंद उत्तम, बड़ा ही लगाना चाह रहे थे, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था, बाउंसिंग डाउन द स्ट्रोक गए थे लेकिन बाउंसर बॉल को वो फेस नहीं कर पाए। गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में, डॉट हो सकती थी लेकिन एक रन यहाँ पर 22 के रूप में जरूर मिला है। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पर। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से अनिल कांडे। ये अच्छी गेंद थी, कार्पेट के सारे खेलने की चाह जल्दी की मारा और यहाँ पर देखिए क्या बेहतरीन फील्डिंग की है। विलेज है मिड ऑफ के क्षेत्र में, ताबड़तोड़ गेंद को रिसीव किया, गेंदबाज के हाथों में थ्रो किया, बड़ा झटका इस वक्त लगा है। नितीश ठाकुर आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए अब इस वक्त चंद्रशेखर उला स्पोर्ट्स से कैप्टन विक्टो के बीच में इस वक्त प्रवेश करते हैं। बिल्कुल अब इस वक्त कप्तान को जिम्मेदारी अपने कामों पर लेनी पड़ी है। अब देखना यह है कि कप्तान क्या कप्तान पर ही खेल पाएंगे। इस बार देखिए उत्तम, बड़ा हिट लगाने की चाहत और यहां पर नितिन के हाथों से कैच छिका है। बिल्कुल यहां पर नितिन पाटिल के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ है। जंगल में शेर के हाथों से शिकार और क्रिकेट में नितिन पाटिल के हाथों से कैच छुटना मुश्किल नहीं होता है लेकिन यहाँ पर चलिए सुबह का वक्त है, प्रकार से सही तरीके से गुड मॉर्निंग नहीं हुई इसलिए कैच जरूर ड्रॉप हुआ। इस बार शॉटी गेंद थी, जाते रहो का आवेश देती हुई गेंद कीपर के रास्ता में सुरक्षित ड्रॉप के रूप में परिवर्तित होती हुई। इसके बाद का जो मुकाबला है वो खेला जाएगा राजू भाई स्पोर्ट्स वर्सेज छिंदवाड़ा स्पोर्ट्स के बीच। तो शेडोबा स्पोर्ट्स रेडी पोजीशन में रही है। मैंने देखा शेडोबा स्पोर्ट्स काफी अच्छे फॉर्म में थी, दिग्गज टीमों को उन्होंने लोहे के चने चबाने पर मजबूर किया था। वही टीम का पहला मुकाबला इस वक्त आपको जरूर देखने मिलेगा। इस बार स्पोर्ट्स खेला गया है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, यहाँ पर रनों की जो दौड़ थी वो पूरी की है। स्कोर है इस वक्त दर्शाता हुआ 25 रन नितिन पाटिल ने गेंद को फील्ड किया विकेट के क्षेत्र में और यहां पर ओवर की हुई है इस वक्त समाप्ति। तो तीन ओवरों की समाप्ति के बाद रनों की जो रन संख्या है वो है 26 रन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शेडोबा स्पोर्ट्स कैप्टन आकाश आइए प्लीज, क्योंकि नेक्स्ट मैच आपका खिलाया जाएगा तो टॉस की बजली आवा एक इनिंग की समाप्ति के बाद करते हैं। 6 गेंदें बची है आपके आय तरफ से, वो 6 गेंदें हो जाएंगी। आपको जो भी डिसीजन लेना है वहीं से डिसाइड करके आइएगा क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट टॉस लॉस हो या फिर टॉस विन हो आपको ऑन द स्पॉट अपना डिसीजन यहाँ पर क्लियर करना है। तो बिल्कुल शेडोबा स्पोर्ट्स की हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, सचिन कदम जैसे इनके पास खिलाड़ी हैं और हाल ही में हमने देखा सचिन कदम ने जो बल्लेबाजी की लाजवाब रही। उसी तरीके से अगर सुनील स्पोर्ट्स वाकई की अगर बात करें तो पंकज की बल्लेबाजी हम कैसे भूल सकते हैं, लाजवाब
हिट्स उनके बल्ले से देखने मिले और गोसाई के एक परफेक्ट ऑलराउंडर कौन कह सकते हैं भावेश पवार, उनका भी काफी नाम इस क्षेत्र में अब होने लगा है गेंदबाजी और बल्लेबाजी के माध्यम से। इसी बीच विकेटों के बीच अगर नजर आते हैं तो वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ, गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है महेंद्र ने। फुल टॉस गेंद थी, बल्ले को स्विंग किया, गेंद जाती हुई बैकवर्ड लेग के क्षेत्र में, खराब फील्डिंग। टॉस जीतने के बाद जिस तरीके से कप्तान ने भरोसा जताया था कि उनके फील्डर्स अच्छी गेंदबाजी करेंगे, अच्छी फील्डिंग करेंगे, लेकिन उस पर अब तक थोड़े साबित नहीं हुए हैं। खराब फील्डिंग देखने अब तक जरूर मिली है, कुछ गेंदे अच्छी फील्ड हुई है लेकिन कुछ खराब फील्डिंग का प्रदर्शन यहाँ पर देखने मिला है। मानुषी हरिश्चंद्र वैती साहेब आपल्याला विनंती आहे की साहेब आपल्याला मंचावरती यायचं, आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत सुस्वागत आहे। इस बार ये बारी, ओहो एक और कैच यहाँ पर ड्रॉप हुआ लेकिन रनआउट के रूप में विकेट गिरा है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात थे, उनके हाथों में से कैच गिरती है। और अगर बात करें तो अब तक के दो कैचेस ड्रॉप हुए हैं, एक नितिन पाटिल ने कैच को ड्रॉप किया और इस वक्त विष्णु और कांचन ये तीन खिलाड़ियों ने कैचेस ड्रॉप किए हैं। और बिल्कुल ये कंटिन्यू जिस तरीके से सूत्रों से पता चला है कि कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटिन्यू टच में उनसे ये गलतियां हुई है। अगली गेंद इस बार देखिए, जिसको आपने जीवन दान दिया था उसने ही टीम के लिए छह रन कर दिए अपनी खुद की टीम के लिए, गेंद जाती है विकेट बाउंड्री के बाहर छह रन। यस सर, ये है कप्तान आई आकाश, आपका हार्दिक स्वागत है। उसी तरीके से राजू भाई स्पोर्ट्स कोली वाला हरीश की तरफ और ये आता हुआ स्मार्टी हैंसन एंड गुड मॉर्निंग सिक्सर, व्हाट अ हिट, क्या बात है। बड़ा हिट है, इस छह रन के साथ रनों ने लगाई है छलांग और जा पहुंचा है काफी दो रनों पर। लास्ट दो गेंदे इस ओवर की अनशेष, एक और बड़े हिट की चाहत लेकिन बल्ला पहले से ही होता हुआ वीन पीछे से डिलीवर होती हुई। बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न थे, हम दोनों को देखें चंद्र शेखर सिंह छह गेंदों का सामना कर चुके हैं और खुद का निजी स्कोर उनका है 16 रन जिसमें दो बड़े विस्फोटक स्ट्रोक देखने मिले। अगली गेंद है, आगे बल्ले से खेलने की चाहत और यहां देखिए दूसरे रन पर रनआउट के रूप में विकेट गिरा है